एक बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो आपको बता दें कि हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। तो फिलहाल सभी घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। वहीं बस और कैंपर के बीच टक्कर हुई है, जोरदार टक्कर हुई है, जिसके बाद कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो मौके पर आगोलाई और बालेसर पुलिस मौजूद रहे। धानिया गांव के पास ये हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा देखा गया है। 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई है इस हादसे में और कई लोग घायल। बस और कैंपर के बीच ये जोरदार टक्कर हुई थी और इसी टक्कर में 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। धानिया गांव के पास ये हादसा हुआ है और ब्यूरो चीफ संजय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार हादसा कैसे हुआ और फिलहाल जो घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनकी हालत कैसी? ऋतु, मैं बता दूं कि बस जो है जैसलमेर से आ रही थी और जोधपुर के अंगोलोई के पास जैसी आई, बस का टायर आगे का फट गया, जिससे बस असंतुलित हो गई और आगे आ रही कैंपर से जा टकराई और कैंपर से टकराने से बस में बैठे तकरीबन मौके पर ही 9 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन एक दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, जिनको वहाँ SDM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। घायलों में कुछ लोग इतने गंभीर घायल हैं कि शायद इलाज के दौरान उनकी मौत भी हो जाए, ऐसा भी बताया जा रहा है और मरने वालों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। संजय, किसी की गिरफ्तारी क्या इस मामले को लेकर अभी तक हो पाई है? आप सवाल द्वारा दोहराए, आवाज। गिरफ्तारी अभी तक इस मामले को लेकर किसी की हो पाई है क्या? नहीं, अभी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं। फौरी तौर पर प्रशासन का जो काम होता है घायलों को अस्पताल पहुंचाना और जो गाड़ियों के अंदर फंसे हैं उनको बाहर निकालकर तत्काल उपचार कराने की जो प्राथमिकता होती है, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी उसमें पहले लगेंगे। उसके बाद किसकी गलती थी उसको तय किया जाएगा और उस पर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी ऋतु, कोई अंदाजा लग पाया है संजय यहाँ पर कि कितने लोग घायल हैं? एक दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी स्थिति काफी क्रिटिकल है, कही जा सकती है, और वो जीवन और मौत से भी अस्पताल में लड़ रहे हैं। देखना है कब आगे उसमें घायलों की संख्या, घायलों की जो है तब्दीली मौत में बदल सकती है, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस जो उनके हालात है उसको देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन संजय अभी फिलहाल जिस तरह से पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है कार्रवाई में, पुलिस का कुछ कहना है कि किस तरह से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, जांच को लेकर कोई बात कही हो? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से घटना हुई है और 9 लोगों की मौके पर मौत होना और बाकी एक दर्जन से अधिक लोग घायल होना घटना हुई है, लेकिन प्राथमिक अगर बात करें, प्राथमिकता की बात करें, तो पुलिस निश्चित तौर पर प्राथमिकता भी दर्ज करेगी और इसमें किसकी गलती है इसकी भी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो अभी प्राथमिक तौर पर जो सूचना सामने निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि बस का टायर फट गया आगे का और बस संतुलित होकर और आगे आने वाले जो कैंपर आ रही थी उससे जाकर टकरा गई, इससे ये घटना हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।